वेलकम बैक टू कॉरिशियस किचन। आज मैं लेकर आई हूँ रिफ्रेशिंग नेचुरल समर कूलेंट की रेसिपी, जो कि समर टाइम में हमारी बॉडी को क्विकली हाइड्रेट कर देता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो पन्ना या फिर आम पन्ने की रेसिपी। एंड ये आम पन्ना हम बहुत ही इजीली और जस्ट 7 इंग्रेडिएंट्स, मतलब 7 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट स्टेप के साथ, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 kg ऑफ रॉ मैंगोस। ये कच्चे आम हैं और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब एक पील कटर से मैं इन सबको पील करके इनका छिलका अलग कर दूँगी। इसी तरह से मैंने सभी कच्चे आम को पील कर लिया है और अब मैं इन्हें अनइवन पीसेस में कट कर रही हूँ। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये अनइवन पीसेस में कट हो चुके हैं और इन्हें मैंने डीसीड भी कर दिया है। मैं आ रही हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है जीरे को भूनने का स्टेप, मतलब रोस्टिंग ऑफ क्यूमिन सीड्स। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स, मतलब जीरा, इस तवे पर स्प्रेड किया है और मैं इसे मीडियम गैस फ्लेम पर ही रोस्ट करूँगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छा अरोमा ऑफ रोस्टिंग में स्मेल कर सकती हूँ। तो अब मैं अपनी गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक फ्लैट सरफेस पर और अब मैं इसे अब बेलन की हेल्प से ग्राइंड करूँगी, मतलब हमें बेलन से ही इस भुने हुए जीरे को पीसना है। जैसे ही ये सारा पिस जाए, मैं इसे एक बाउल में अलग कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, जो कि मुझे चाहिए आम पन्ना बनाने के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ एक बाउल कच्चे आम से, जिन्हें मैंने अनइवन पीसेस में कट किया है। नेक्स्ट है एक छोटा बाउल पुदीने की पत्तियाँ, उसके बाद 200 ग्राम चीनी। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी भुना हुआ जीरा, नींबू का रस और नमक। नॉर्मल सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट, मतलब काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा नमक डालिए और एंड में काला नमक डाल लीजिए। तो अब मैं आती हूँ अपने तीसरे स्टेप की तरफ। तो इस स्टेप में मुझे इन कच्चे आमों को बॉईल करना है। उसके लिए इन सबको मैं इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ऊपर से डालना है पानी। पानी मैं उतना ही ऐड करूँगी जितना कि ये कच्चे आमों को कवर कर ले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुकर की लिड क्लोज करते हुए इसे गैस पर रखना है और बॉईल करना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो मैं इसे कुक करूँगी 3 से 4 विसल्स हाई फ्लेम पर और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और उसके बाद गैस को स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के 15 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ और यहाँ मैंगोस बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और जैसे ही ये बॉईल मैंगोस कूल डाउन हो जाएं, हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे इस ग्राइंडिंग जार में, बट उससे पहले इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी अपने और इन्ग्रीडियंट्स, जैसे कि चीनी। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने की पत्तियाँ, मिंट लीव्स,
आधा चम्मच नमक, इसकी जगह आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 2 नींबू का रस और लास्ट में डाल रही हूँ 1 चम्मच रोस्टेड और ग्राइंडिंग जीरा पाउडर। और अब इस जार को बंद करते हुए मुझे इसे ग्राइंड करना है। और अब इसे 1 मिनट के लिए ग्राइंड करना है ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से फाइनली ग्राइंड हो जाएं। और अब इसे मैं ओपन करके चेक करूंगी। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें आम पन्ने को स्ट्रेन करना है, मतलब कि छानना है। पन्ने को छानने के बाद आप यहाँ लेफ्ट ओवर रेजिड्यू देख सकते हैं, तो इसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच रोस्टेड पिसा हुआ जीरा पाउडर। आम पन्ने में भुने और पिसे हुए जीरे पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। और अब जल्दी से इसे मिक्स कर लूँगी। लास्ट में बने हुए आम पन्ने को इस जग में ट्रांसफ़र करना है और फिर सर्विंग के लिए आम पन्ने को एक ग्लास में 1/4 ग्लास से लेकर 1/2 ग्लास तक हम डाल सकते हैं। फिर इसमें डालनी है आइस। और अब मैं ऐड कर रही हूँ पानी। और अब इस टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मिंट लीव्स के साथ हम इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर रिफ्रेशिंग समर कूलेंट बनकर रेडी है और ये बिल्कुल नेचुरल है, आपकी बॉडी को क्विकली हाइड्रेट कर देगा। आई होप आप सबको ये समर कूलेंट की रेसिपी पसंद आई हो और आप जल्दी से इसे ट्राई कर लें। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हैव अ नाइस डे।